अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन के नजदीक बनने वाले सुषमा स्वराज चौक और वहां से साहा तक निर्माणाधीन फोर लेन के बीच आने वाले ढाबों, दुकानों, घरों सहित अन्य संस्थानों पर आज NH1 की टीम का पीला पंजा चला। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई कार्रवाई को देखते हुए किसी स्थानीय नागरिक ने इसका जरा भी विरोध नहीं जताया। बता दें कि सिविल इंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के लाइजनिंग मैनेजर की अगुवाई में यह कार्रवाई की गई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में टीम अपनी कार्रवाई करने पहुंची तो रेलवे स्टेशन के नज़दीक बनी दुकानों और ढाबा मालिकों में अचानक से हड़कंप मच गया। मैनेजर की माने तो यह फोर लेन का काम उनकी देखरेख में चल रहा है और आज उपायुक्त के आदेश पर पुलिस बल की तैनाती में इस सड़क के नक्शे में आने वाले ढाबों, दुकानों और अन्य संस्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना है कि नेशनल हाईवे पर आने वाले सभी अतिक्रमण को हटाया जाएगा। मैं सिविल इंडिया लिमिटेड में लाइजनिंग मैनेजर के तौर पर कार्य करता हूँ। ये NHAI की तरफ से आज पूरे DC साहब से पुलिस प्रोटेक्शन मांगी गई थी, जिसके कि जो भी इनक्रोचमेंट्स हैं पूरे बाला कैंट में नेशनल हाईवे के जितनी भी इनक्रोचमेंट्स हैं उनको लेकर उनको तोड़ने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन मांगी गई थी। हमारे साथ NHAI से भी साइट इंजीनियर साहिल कुमार जी आए हुए हैं और हमारे कंसल्टेंसी के देवदत्त कंबोज जी जो PWD एक्सीडेंट में टायर रह चुके हैं वो है, और भारी मात्रा में पुलिस बल तो आप देख ही रहे हो। कौन कौन से एरिया को तोड़ा जा रहा है सर? अभी हमने यहाँ से स्टार्ट करा है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए सर हम महेश नगर तक जाएंगे। ठीक है जी, हमारे पास महेश नगर जितनी भी अनऑथराइज्ड वो हैं यहाँ की कंस्ट्रक्शन है सारी हमने तोड़नी है, उसमें चाहे AMC की दुकानें हैं, ठीक है, सिविल हॉस्पिटल के सामने आगे SD स्कूल की वॉल, बाउंड्री वॉल है, मेजर नगर, हम सारी को तोड़ते हुए कार्रवाई करते हैं।